भाजपा नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह ने बिहार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है, बिहार सरकार के बाद दूसरे मंत्री अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। जबकि यह दुखद है कि राज्य की 34% आबादी अभी भी बहुआयामी गरीबी से त्रस्त है, जबकि राष्ट्रीय औसत 15% ही है। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह ने यह भी कहा कि जनता पार्टी के प्रयोग के विफल हो जाने के बाद पूरी तरह से 1980 से यानी पिछले 42-43 वर्षों से कांग्रेस, राजद और जदयू ही राज्य की ड्राइविंग सीट पर बैठी रही, यानी बाबू जिसके अफसर बिहार गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है। उसमें 12 सूचकांकों पर डाटा कलेक्ट किया गया है, 12 सूचकांक, और उसके आधार पर गरीबी को मापा गया है कि कौन कितना गरीब है। हमें खेद है यह बताते हुए कि उन 12 में से 9 सूचकांकों में बिहार की उपलब्धि बहुत ही खराब रही है। 12 में से 9 में उपलब्धि अत्यंत ही खराब है और 5 में तो नीचे से फर्स्ट आया है। 5 सूचकांकों में बिहार नीचे से फर्स्ट आया है। विफल हो जाने के बाद 1980 से बिहार राज्य में 80 से 90 तक कांग्रेस का, 90 से लेकर 2015 तक 5 तक लालू प्रसाद जी का, और 5 के बाद से श्री नीतीश कुमार जी राज्य की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। और बिहार इतना अभी भी सबसे गरीब राज्य है। तो इन पार्टियों को जवाब देना चाहिए कि इतने केंद्र से इतने मिल रहे सहयोग के बाद, केंद्र सरकार से आर्थिक मामले में अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, गरीब क्यों है। अब हमने बताया कि 2021 में भी बिहार में गरीबी 52% थी, 0.55% है। तो दर अगर देखें जिसकी पीठ थपथपा रही है राज्य सरकार, तो केरल तो 1% से भी कम दर से नीचे गरीबी हटाया। कोई कह सकता है संख्या के मामले में राज्य सरकार एक चीज कह रही है कि 2,25,00,000 लोगों को हमने गरीबी से बाहर किया है। भाई संख्या भी एकमात्र चीज नहीं है। अगर संख्या को भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो भाजपा शासित राज्य है, 3,45,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर किया है। तो संख्या के दृष्टिकोण से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। दरअसल गरीबी नापने का जो अलकाय फोस्टर फार्मूला है, उसके तहत पाया गया है कि जो जितना ज्यादा गरीब रहता है उसके गरीबी घटने का प्रारंभ में उतना ही दर ज्यादा होता है। बिहार बहुत गरीब है इसलिए गरीबी घटने का दर यहां ज्यादा है, लेकिन अभी भी जैसा कि हमने बताया कि बिहार में ही सर्वाधिक गरीब है। जब देश में गरीबी को मापा जा रहा था तो पाया गया था 80 के दशक में कि जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनको अर्थशास्त्रियों ने बीमारू राज्य कह दिया था। बीमारू मतलब ये लोग बीमार हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्य आज बट करके, जैसे बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, तो आज 7 राज्य बन गए हैं। अगर हम 7 राज्यों को भी तुलना करें तो बिहार में 34% हमने बताया, झारखंड में गरीबी अब केवल 29% है, मध्य प्रदेश जहाँ की बीजेपी का शासन रहता रहा है 21% है, छत्तीसगढ़ में 16% है,
राजस्थान में 15% है, उत्तर प्रदेश में 23% है और उत्तराखंड में मात्र 10% है। तो बीमारू राज्य में भी बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। रिपोर्ट 2021 में भी जारी किया गया था, यह 2023 में जारी किया गया, दो साल पहले 2021 में भी जारी किया गया था, उस रिपोर्ट में भी बिहार सबसे निचले पायदान पर था और इस रिपोर्ट में भी सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट 2021 के मुताबिक बिहार में गरीबी का दर, गरीबी 52% थी, वही घटकर आज ये 34% हुई है। पार्टी के साथियों और मीडिया के साथियों सबको नमस्कार। क्योंकि जब से नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया है, राज्य सरकार के मंत्रीगण कभी अलग अलग कभी संयुक्त रूप से मीडिया के समक्ष आ रहे हैं और अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी का भी विचार रखना आवश्यक हो गया। रिपोर्ट को हमने भी देखा है, नीति आयोग की रिपोर्ट को हमने भी देखा है। उस रिपोर्ट में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जिसमें बिहार सरकार खुशी मनाए। एक मंत्री ने भाजपा से भी अपेक्षा की कि वो राज्य सरकार की पीठ थपथपाए। ऐसी भी कोई हालात नहीं है कि भाजपा राज्य सरकार की पीठ थपथपाए, उल्टे वस्तु स्थिति यह है कि उस रिपोर्ट के आधार पर देश में गरीबी अब मात्र 15% रह गई है, वहीं बिहार में सर्वाधिक अधिक गरीबी 34% है, राष्ट्रीय औसत 15% है और बिहार में अभी भी 34% गरीबी है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है। राष्ट्रीय औसत से इतना नीचे रह जाना यह साबित करता है कि राज्य सरकार इस मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पा रही है।